हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही धमाकेदार वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। इस ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और इसके आंसर्स अभी मैंने जो है नहीं लिखे हैं इसके अंदर, इसके आंसर्स भी जल्द ही, आंसर्स की पीडीएफ आप लोगों को जल्द मिलेगी। पिछले 12 साल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने देखा है रिपीट होते हैं। अगर इन 12 साल के ऑब्जेक्टिव्स करके जाएंगे तो ये समझ लीजिए हमारे 28 में से 20 मार्क्स पक्के हैं, ये समझ के चलिए आप। और उसके अलावा भी आगे ऑब्जेक्टिव्स हर चैप्टर में से किस तरह से करना है, क्या क्या आएंगे, उसकी भी वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगी। तो इस पीडीएफ को आप कंसिडर करें, जाकर डाउनलोड करें और इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और इसके आंसर्स भी आपको जल्द मिल जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर 2011 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे, 2012 में जो है किस तरह से आए थे, मतलब हर साल आपको जो है बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने जो है जो डिलीटेड टॉपिक्स थे हमारे, जो एक तो पहले सिलेबस अलग था, तो कुछ दो तीन चैप्टर आखिरी के फिज़िक्स में अलग थे, उसके तो डाले ही नहीं है मैंने क्वेश्चंस। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स में से डिलीटेड टॉपिक है, इस बार जो 2023 के अंदर डिलीट हो गए, उस पर मैंने स्टार भी लगा दिया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल की तौर पर, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये ज़ेनर डायोड, ज़ेनर डायोड डिलीटेड है, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है। ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, चूज़ द करेक्ट में तो बहुत ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम वगैरह में हैं कुछ, जिसमें से आप ये देखेंगे, ये देखिए आप, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर 2011, 12, 13, ये 14 के अंदर आप देखें तो मीटर ब्रिज का एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, वो डिलीटेड है मीटर ब्रिज, तो मैंने स्टार लगा दिए हैं। तो वो आपको कम से कम 2023 के लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़िए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, मैच द कॉलम भी जो आया करते थे वो सारे हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी हैं, उसके अलावा वन वर्ड्स वगैरह भी हैं, तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। लगभग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स भी 60 हैं, और अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो ट्रू फॉल्स 2013 तक आए थे, 14 ट्रू फॉल्स हैं, 13 के बाद उन्होंने बंद कर दिए थे, उसके बाद से ट्रू फॉल्स नहीं आए हैं। हो सकता है इस बार आ जाएं, या फिर इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव बनकर आ जाए, तो ये ट्रू फॉल्स की भी आप प्रैक्टिस कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम के डायरेक्ट आंसर, मैच द कॉलम के डायरेक्ट आंसर आगे लिखे हुए हैं उसके सामने, तो वो आप कंसिडर करें। वो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए, सिर्फ मैच द कॉलम के डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, और 53 मैच द कॉलम्स हैं। और उसके बाद अगर हम गिव वन वर्ड्स पर आते हैं तो वन वर्ड्स आपके जो है 45 है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए फिज़िक्स में प्रैक्टिस के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिए, और मैंने क्या डाले हैं, पिछले सालों के ऑब्जेक्टिव है, और इसमें से बहुत सारे रिपीटेड भी हैं। आप देखेंगे किस तरह से रिपीट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और भी ऑब्जेक्टिव्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, उसकी पूरी अगर आपको वीडियो चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को फिज़िक्स की एक धमाकेदार ट्रिक बताऊँगा, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी, क्या आप फिज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम बायोलॉजी पर काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स की जो है मैंने पीडीएफ डाल दी, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसी तरह की जो है टिप्स के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।